हेलो एवरीवन, तो आज मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से, और हमारे हलवे में बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे। और ये सिंघाड़े का आटे का हलवा ख़ास तौर पे जन्माष्टमी पे बनाया जाता है। आप चाहें तो इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं, ये फलाहार में आता है। तो मेरा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा, ये 200 ग्राम का पैकेट है और इस तरह का दिखता है सिंघाड़े का आटा, और इसे आप फलाहार में खा सकते हैं। ये देखिए, तो सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है, बिल्कुल ही सिम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे, और इस पर मैंने ऐड किया है 2 चम्मच देसी घी। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है, जिसमें मैंने लगभग 100 ग्राम घी ऐड किया है। आपको अगर हलवे में ज़्यादा घी चाहिए तो आप 200 ग्राम तक घी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा हेल्थ को देखते हुए थोड़ा सा कम ही घी यूज करना पसंद करती हूँ, बस जितना बहुत ज़रूरी हो उतना ही। तो उसमें मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है सिंघाड़े के आटे का, और इसे हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि हमारे आटे का कलर चेंज ना हो जाए अच्छी तरह से। तो इसे भुनने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, और बस इसी तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इस आटे को भुनना है। आप हाई फ्लेम पे इस आटे को नहीं भुनेंगे, नहीं तो आपका आटा जल जाएगा। तो ये देखिए, बस इसी तरह से हमें इन्हें इसे भुनना है, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका आटा भुन चुका है। और ये देखिए, हमारे सिंघाड़े का आटा भुन रहा है, और ये मैं अपनी करछी में से आटा छुड़ा लूँगी, क्योंकि नहीं तो ये आटा कच्चा रह जाएगा इधर। और बस इसी तरह से हमें आटे को भुनना है। थोड़ा समय लगता है इसको, इस आटे को भुनने में, लेकिन हलवा बहुत ही टेस्टी तैयार होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से, बहुत ही आसानी से। और ये देखिए, हमारे आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है भुनने के बाद, बिल्कुल ही बदल गया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो बस अब हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद, और इस आटे को हम अच्छी तरह से ठंडा करेंगे पहले, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे दूध या पानी ऐड किया सिंघाड़े के आटे में तो बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएंगे, और जिससे हमारा हलवा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगेगा, बीच में सारा सूखा सूखा कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। तो इसे हमें पूरा अच्छी तरह से ठंडा करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा चलाते हुए ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी हड़बड़ी थी, मुझे जल्दी से इसे ठंडा करना था, इसलिए मैं इसे थोड़ा हिला डुला कर जल्दी से ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस तरह से करने से जो भी इसमें लम्स हैं उसे भी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 400 ml दूध, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये अब ठंडा हो चुका है हमारा सिंघाड़े का आटा, तो इसमें दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो पानी का भी यूज कर सकते हैं हलवा बनाने के लिए, लेकिन मैं हलवे को दूध में ही बना रही हूँ, क्योंकि दूध में इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा दूध और ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें 400 ml दूध और ऐड कर दिया है, क्योंकि सिंघाड़े के आटे में आप जितना भी आटा लें उसका चौगुना आपको दूध या पानी डालना है। तो ये देखिए, अच्छे से हमारा घोल अब तैयार हो चुका है सिंघाड़े के आटे और दूध का, और इसमें मैंने ऐड कर दिया इलायची पाउडर, और इस अपने घोल को गैस पे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, चढ़ा दिया है, और इसमें ऐड कर देंगे चीनी यहीं पे हम। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाली है। आप ज़्यादा मीठा खाना का पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दें, और बस इसे हमें हिलाते हुए पकाना है, हमें रुकना नहीं है, इसी तरह इसे हिलाते रहना है। और ये देखिए, हमारा हलवा थोड़ा गाढ़ा हो गया है फ्रेंड्स। इस हलवे को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी हलवा तैयार होता है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी के मौके पर ये हलवा ज़रूर बनाया जाता है।
और ये देखिए हमारा हलवा अब लगभग तैयार होने वाला है। और बस इसी तरह से हमें इसे भुनना है। और जब आपको लगे कि आपका हलवा थोड़ी कढ़ाई छोड़ने लगा है तो आप समझ लीजिए आपका हलवा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे भी 1-2 चम्मच घी ऐड करके हलवे को भून सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी। और ये देखिए बिल्कुल ही लम्स नहीं है हमारे हलवे में, आप देख सकते हैं, बस इसीलिए क्योंकि हमने उसे ठंडा करके दूध में पहले घोल लिया था और फिर हलवा बनने के लिए कढ़ाई को रखा था गैस फ्लेम पे। अगर आप गरम गरम आटे में दूध या पानी डालेंगे तो लम्स बनेगा ही बनेगा, तो आप ठंडा करने के बाद ही उसमें दूध या पानी ऐड करें जब आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाएं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है, इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल कर जमा दूंगी और ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाता है। आप इसे बर्फ़ी की शेप में या फिर चौकोर शेप में काट लीजिए, इससे ये खाने में भी आसान लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो बिना इसे जमाए भी खा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम इसे फैला लेंगे प्लेट में, और ये ऊपर से चिकना नहीं हो पा रहा है तो मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है, और थोड़ा सा ये गर्म है इसलिए सावधानी से हल्का हल्का मैं, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी लगा लें हाथ में, उससे भी आसानी से चिकना हो जाता है। और बस इसी तरह से इसे मैं चिकना कर लूँगी, और ये देखिए अब इसे छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट के बाद अब हम अपने हलवे को काट लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर बाद काटें। और ये देखिए मेरा हलवा अभी अंदर से थोड़ा सा गर्म है, लेकिन मैंने इसे काट लिया है। मैं आज यहाँ इसे बर्फ़ी के शेप में काट रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे काट लें। और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी भी होता है। आप कभी भी अगर व्रत करें तो आप ये हलवा ज़रूर खाएं बना के, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जन्माष्टमी के मौके पे तो ये ज़रूर ही बनाएं। और बस इसी तरह से हम इसे काट कर सर्व करेंगे। आप इसके ऊपर से अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश भी कर सकते। तो मैंने आज इसे काजू से गार्निश किया है, आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यूज करें। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।